नमस्कार, क्या हाल है आप सबका? स्वागत है जी फिर एक नए व्लॉग में। तो जी फिलहाल टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट टेक है गाइस, ये मेरे को कुछ भी बोलती, मेरे को रियल में हंसी आ जाती है। हाँ, तो टाइम फिलहाल बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा कि पापा जी तैयार हो ही गए हैं। बस मम्मी जी खाना लगा रही हैं और कुक्कू जी यहीं पड़ी हुई है अधमरी सी। आज तो वो डिसलोकेट नहीं हुआ शोल्डर? नहीं, कल हुआ था। डिसलोकेट हो जाता है अपने आप ना, मतलब वही नस खिंच जाती है। हाँ, तो उसको अपन नस खिंचने को सीधे डिसलोकेट बोलते हैं। तो मैं फिजिकल में पढ़ रही थी तो मैं यही बोल देती हूँ। तो जी फिलहाल मैं चल के तुम्हें बाहर सबसे मिलवा देती हूँ, और मिलना तो क्या ही है, बाहर होने तुम्हें भी पता है लड़ाई दंगे, वो भी मम्मी पापा के। तो शेफ पुज्जू आज क्या लाई है? अरे भक्का रही है। आज क्या लाई है? क्या कोल्ड कॉफी है, लस्सी है, हॉट कॉफी है? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी फ्राइडे, आप लोगों का दिन अच्छा हो। और मैंने अपने और कुक्कू के लिए बनाया है बटर मिल्क। तो मैं कहाँ आती हूँ? हम तुम्हें चिढ़ाने के लिए लाए। बटर मिल्क मेरा ले लो, ये है मेरी असली बहन। अब आप निकलिए यहाँ से, गेट आउट। देखो अकेले में मैं आपकी टीम में हूँ, ये जब आ जाती है तो मैं इसकी टीम में। सुन लिया उसने, वो अपने कान बाहर छोड़ के नहीं बैठी है। गाइस पापा की बहुत पुरानी शर्ट, अब तो बहुत सारी आ जाएंगी। हाँ पापा, नई नई आपके पास ट्राई कर सकते हो आप। अच्छी, वेरी नाइस। पापा आप इधर कुक्कू की तरफ मुंह करके खड़े हो, कुक्कू इधर बैठे। पापा ये हिस्सा छोड़ के, ये देखो कितना शर्ट ब्लॉग में भी दिखता है ना, ये थोड़ा ठीक हो गया। हाँ। तो आपके बाल बड़े होते ना, ये इतना एटीट्यूड से मत देखो। अरे कौवा एटीट्यूड नहीं है यार, तुम्हें तो एक ही बात लगती है रोज। इसका असर आ गया, कौवा खा लिया क्या? क्या मेरे को बोली मैं कौवा खाती हूँ? मेरे को गाली दे रही है, मेरे को बोली छोड़ो। अरे ये तो गाली दे रही है, ये का है बटर मिल्क। अरे सुनो पुज्जू, ये कौवा खाना क्या होता है बे? काव काव काव, अजीब सी आवाज, कौवे की आवाज। कोयल की जितनी मीठी आवाज होती कौवे की, काव काव काव, वो सच्चाई पे हंस रही बेटा। इतनी फटी आवाज है वो तो। तू ब्लॉग में हाय गाइस गुड मॉर्निंग कैसे आप बोलते हो? वैसे तो तू पूछ सबसे घर में। मम्मी क्यों गुस्से में देख रही हो? डांट भी दिया पापा ने। बाय। निशान नहीं पड़े यार आज के जूतों के। क्या हो गया? हर समय दुखी कभी खुश होना है जिंदगी में? मैंने पापा को कुछ बोला, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। अरे तो आप ऐसी शक्ल लेके घूमोगी तो रिप्लाई कौन? क्या प्लास्टिक सर्जरी करवा लूं? हाँ मम्मी, कटरीना अडवाणी को। कटरीना अडवाणी, अरे भाई करीना अडवाणी, करीना कटरीना अडवाणी, कैफ कियारा अडवाणी बन जाओ। नहीं श्रद्धा कपूर बन जाओ प्लीज। पापा मुझे यूं ही देखेंगे। श्रद्धा कपूर बन जाओ प्लीज। बन जाऊँ श्रद्धा कपूर, बन जाऊँ अश्रद्धा, बन जाऊँ यूं ही देखेंगे मुझे। नहीं मम्मी, तब तो बहुत प्यार से देखेंगे पापा, क्योंकि थोड़ी तो सुंदरता होनी चाहिए चेहरे पे। सॉरी 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 सॉरी, आप बहुत सुंदर हो मम्मी। काय की श्रद्धा है, काय की श्रद्धा बोलो। अपने शौहर को बाय कर लूं करो। तो जी सारे अंतर पंटर यहाँ आ गए हैं भाई बाय करने, तो जरा मैं भी पंटरू बाय कर लूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। हाँ देखो गीले हाथ धोए थे गाइस। तुम ये देखो भाई, कल रात के मोमोज, वो भी ढेर लाते हो कि कल अगले दिन तक की तैयारी रहे, अम्मा के हाथ का बना हुआ खाना ना खाना पड़े। वो भी वेज मोमोज, और मैं तुम्हें बता दूं अच्छा वेज मोमोज है गाइस। और मैं तुम्हें बता दूं, कल रात को जब हम घूमने गए थे तो हमने बाहर इतना कुछ खा लिया कि घर आके मोमोज खाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। An hour later. तो जी गाइस फिलहाल 2:30 बज रहे हैं, पापा जी घर आ चुके हैं इतनी जल्दी तुम भी सोचोगे। तो गाइस वो इसलिए क्योंकि मैं, कुक्कू और पापा जी हम जरा जा रहे हैं करियर लॉन्चर, क्योंकि कुक्कू जी के इम्पोर्टेंट फॉर्म्स भरने हैं कॉलेजेस के। ऐसे देख के लगता नहीं है छोटा सा चूहा अभी फॉर्म भी भरने जा रहा है? बताओ खुद कैसे ही भरेगा यार, ऐसा लगता है छोटा सा। बट आज सर ने अपॉइंटमेंट दी है, मनोज सर ने, तो हम जा रहे हैं। और जरा सा बैंक का भी काम है। ये देखो गाइस, एक येरी गैलरी ये बैठी हुई है, ये कैंडी क्रश ही ऑन है, ये कुछ ऑन नहीं है, अभी बंद किया है जस्ट मेरी आंखों के। अच्छा ऑन था भैया, तो चलो फेसबुक पे गेम्स खेल रही होगी। मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि तीन जो मेरी जान की आफत है वो जा रही है शांति। ओह सो क्यूट।
और गाइस ये देखो ये सामान सारा रेडी है और ये पापा जी भी आ गए हैं। मैं बच्चों को लेने आया हूँ गाइस और अब हम लोग जा रहे हैं कुकू का फॉर्म भरने। भाई कोई जल्दी नहीं आ रहा, क्या क्या हो गया? ठीक है शाम तक आना। अच्छा समझ गया, चैन की सांस लेने दो। बहुत चैन की सांसें ली जा रही हैं। तुझे पापा जी नीचे गए गाड़ी थोड़ी सी ठंडी करने क्योंकि आज यहाँ धूप हो रही है और थोड़ी और पापा कितने प्यारे भी है ना, उनके बच्चे आ रहे थे तो आप पे गए हैं। तो जी गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं सीएल के बैक एरिया में, पार्किंग एरिया में है और यहाँ पापा ने आराम से लगा दिया बिकॉज वी डोंट नो कितना टाइम लगने वाला है। फॉर्म्स भरने में जनरली काफ़ी ज़्यादा टाइम लग ही जाता है और फिर कितने फॉर्म्स भरने हैं क्या भरना है तो वो तो टाइम लगेगा ही। तो यार बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है सीएल। जब मैं यहाँ पढ़ती थी ना गाइस अपने आईएचएम कोर्स से पहले तो इट वॉज ऑल एम्प्टी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो चुकी हैं एंड मेरी इतनी मेमोरीज है ना सीएल से भी, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे यहाँ पे, हिमांशी रितिका लक्ष्य हम लोग रोज कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। तो हाँ पापा मेरी चुगली करेंगे मनोज सर से। गाइज ये वो क्लास है जहाँ पे सुबह सुबह 7:30 बजे आई यूज़ टू कम, यहाँ पे रितेश सर हमारी क्लास लेते थे रीजनिंग मैथ्स और मैं रितिका हिमांशी हम सब मोमोज बना के खाते थे और हम ना सर से रिक्वेस्ट करते थे सर और जल्दी क्लास ले लो, सर बोलते थे ठीक है मैं ले लूँगा लेकिन सुबह सुबह पोहा जलेबी लेके आना पड़ेगा। तो जी अभी सर आने वाले हैं और फिर कुक्कू जी अब मैं फॉर्म भरेगी। तो जी गाइस कुक्कू कितनी देर बाद आए अपन? 2 घंटे। हाँ 2 घंटे बाद बाहर निकल आए हैं भाई सीएल के और फॉर्म कुक्कू ने भर दिए हैं सक्सेसफुली डिफरेंट डिफरेंट जगहों के और बस अब जा रहे हैं घर। वैसे तो गाइस मुझे बैंक का काम था लेकिन अब मैं कल आके अकेले ही कर लूँगी क्योंकि पापा जी को जाना है इम्पोर्टेंट काम से मीटिंग में, तो इसलिए अब हम सीधे घर जा रहे हैं। बाय सीएल। बाय सीएल। बाय पापा। बाय। तो जी फाइनली घर आ गए, अब जाते हैं ऊपर, मम्मी से कुछ तो अच्छा बनवाएंगे, या तो कोल्ड कॉफी लस्सी या मट्ठा। मैं बहुत तेज बोल रही हूँ लोग क्या सोच रहे होंगे भाई। हाँ भाई तो घर आ गए हैं और मम्मी से अब रिक्वेस्ट करते हैं, मम्मी सुनो अभी सोकर उठियो बट सुनो मैं सोई नहीं आज, लस्सी कोल्ड कॉफी मट्ठा छाछ। पहले टाइम कितना हो रहा है, पहले टाइम बताओ। अरे यार तो हो रहा है यार, अब क्या टाइम हो रहा है, टाइम तो बताओ। 5 बजने वाले 15 मिनट बाद तो मेरा ड्यूटी अब शुरू होगी 5:30 से, तो जरा पागल है क्या तू? पागल ही हूँ मैं। अरे सुन यार कार का एसी खराब हो गया, बड़ी गर्मी लग रही थी क्या है? अरे यार तू पागल है क्या, जब मैं झूठ बोलूँ तो तुझे मेरे को नहीं देखना है। मेरे को लगा ये कब, ये अगर नहीं देखती तो एक बार मैं मान भी लेती। थैंक यू कोको, सॉरी। अब क्या सॉरी से मम्मी बना दो, अब तो बच्चे बहुत थक गए, मां मैं ही तो फॉर्म भर रही थी सारे। अच्छा पापा क्यों गए थे? फिर देखा तूने मुझे। अरे यार तुझे यहाँ हमारी प्यारी सी कोल्ड कॉफी भी बन चुकी है और सिकी हुई ब्रेड। अभी ना जैसे कि तू वॉक पे जाती है ठीक है और सांप बिच्छू वहाँ पे घूमे तो तुझे कैसे बचना है? तुझे पता है ऑक्सीजन जोन में तो कितने निकलते हैं? नहीं भाग लो वहाँ से। नहीं तो सांप को चकमा दो, कुकू देखना सांप कैसे भागता है ठीक है। तो कुकू का आइडिया ये था, एक बार बोल रही थी कि ऐसे ऐसे भागो, तो ऐसे तो नहीं भाग सकते। सांप आपके पीछे आप भाग रहे हो ठीक है, उसके बाद सांप पीछे पीछे पलटी मार के भाग लो। सांप कंफ्यूज, सांप के ऊपर से। अरे स्पीड में करना काम कि सांप भी कंफ्यूज हो जाएगी यार, ये सुनो क्या कुछ भी अगर वो फिर तुम्हारे पीछे आए फिर पलटी मार के भागो, सांप बोलेगा छोड़ो यार भाई मारो मुझे भाई। तो मैं आइडिया दे रही हूँ, क्या बोल रही है ये
और तू तेरे से क्या बात कर रही हूँ मैं, हट। तो ये एक बार पता है क्या कर रही थी, जब सांप की तरह भागना चाहिए तो सांप पकड़ नहीं पाता, मतलब सांप यूं तो अपन भी यूं 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 यूं। अबे ज़िगज़ैग कैसे भागेगा इंसान ये ऐसे ऐसे। और फिर सांप आगे निकल के बोलेगा हमसे रेस। तुझे फिलहाल 6 बज चुके हैं, तुम्हारा ये दोस्त पूरी तरह से तैयार हो चुका है अपनी वॉक के लिए। तो भाई मैं जा रही हूँ, और मैं तुम्हें बता दूँ आज मैं ऐसे दिन भर से बाहर ही थी ना सुबह से, तो मेरा ना थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल हेडेक होने लगा है। तो मैं सोच रही हूँ या तो अभी जाके जल्दी से आ जाऊंगी आज, मतलब जितना होगा ना बियरेबल उतना मैं वॉक करूंगी, उसके बाद मैं जल्दी से आ जाऊंगी। देखो यार आज एक तो इतने टाइम से आई मैं, और 6 दिन के लिए यूनिवर्सिटी बंद है पर साफ सफाई ने रख रखाव, तो मेंटेनेंस वर्क वगैरह जो भी होगी साफ सफाई वगैरह होगा, और बहुत सारे लोगों को मतलब किसी को भी जाने नहीं दे रहे, तो आज ये तुम देखो पूरी खाली पड़ी है। तो फिलहाल प्रिंस आ गए, हमारा प्लान ये है कि अब जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ हम वहाँ जा रहे हैं। गाइस तुम ये देख लो हम कहाँ आ गए वॉक करते हुए। हमने क्या किया कि जो हमारी स्कूटीज है ना वो हमने वहाँ मेरी सोसाइटी में बिल्डिंग के नीचे, कौन चीखता हुआ जा रहा है, तो मेरी सोसाइटी में मेरी बिल्डिंग के नीचे खड़ी कर दी, और फिर सोसाइटी में हम वॉक कर रहे थे बट वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था, तो हम चलते चलते यहाँ आ गए थी ठीक है। लेकिन यहाँ तो और ही फुद्दू निकला, यहाँ पे ना रोड अच्छी है और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा, मतलब चलो हम इधर रहे फुटपाथ पे लेकिन नो फन। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगले 6 दिन हम करेंगे क्या, क्योंकि वॉक तो है रेगुलर, और यहाँ ज़्यादा पैर दुख रहे हैं क्योंकि ऊबड़ खाबड़ है यहाँ पे। तो फिलहाल थोड़ी बहुत वॉक, घर से थोड़ा सा दूर आ गए हम, तो एक बार घर पहुँच जाऊँ आराम से फिर तुम्हें मिलती हूँ मैं, ठीक है बाय। तो जी गाइस फाइनली अपनी पार्किंग में आ चुके हैं। आज हालत मेरी सबसे ज्यादा खराब हुई है क्योंकि वो ऑक्सीजन जोन वाली रोड जैसी भी है लेकिन बाकी की तो सही है ना, यहाँ तो बाकी की भी बहुत ही फुद्दू रोड थी, और गाड़ियाँ गाय भैंस बकरी इतना कुछ तो नहीं था, गाय वाय थी उसे बच बचा के भाई कैसे भी। कल से देखो यार अब कुछ तो प्लान निकालेंगे हम क्योंकि 6 दिन तक बंद है अब ठीक है। तो हाँ फिलहाल प्रिंस जा रहे अपने घर, मैं जा रही हूँ ऊपर। तो जी फिलहाल मैं तुम्हें बता दूँ वॉक से तो मैं आ गई थी, और अब मैं जा रही हूँ डेली नीड्स कुक्कू जी और मेरे लिए क्या लाने, आइसक्रीम सैंडविच लाने क्योंकि बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो हाँ और घर आके मैं बस बैठी थी अभी, मेरे एक दोस्त है रजत उसका फ़ोन आ गया था तो मैं उसी से बात करने में लग गई थी, तो इसलिए 8:30 हो चुके हैं अभी, मैं तुम्हें बता दूँ 8:30 हो चुके हैं अभी, जाके नहाना भी है और भी 2-4 काम है छोटे छोटे जो कि अभी करने हैं। तो जी फिलहाल 9 बज चुके हैं, आइसक्रीम शाइसक्रीम लेके तो मैं आ गई थी। यहाँ देख लो भाई मस्त अनुपमा चल रहा है, यहाँ अनुपमा का खाना चल रहा है जिसमें बने हैं चीले, कुक्कू की फरमाइश पे कुक्कू मेरे लिए क्योंकि हम दोनों को बहुत पसंद है, और ये हिप्पोपोटामस की तरह पड़ा हुआ है सफेद। क्या बोल रही हो, वो मम्मी पड़ी हुई है, पड़ी तो तुम हुई हो। और जी मैं बता दूं मम्मी ने स्पेशली मेरे और पापा के लिए क्या बनाया ले, रोटी सब्जी, जल्दी बोल ले अब, साबूदाने बड़े, अरे साबूदाने बड़े क्या बोल रही, साबूदाने साबूदाने के बड़े बेइज्जती करने ऐसे मुंह में साबूदाने साबूदाने के छोटे बड़े नहीं छोटे छोटे बनाए ना गाइस, कुछ बोल दूं क्या ऐसे, तुम 2 सेकंड के कान बंद कर लोगे सुनना क्या हो, देख भी नहीं पाएंगे फिर वो, मुझे खाना खाने दे आराम से, ना क्योंकि क्यूट है खाना खा रही है। ओ शिट पापा आने वाले, हाँ मैंने ब्लॉग में बोला जब तक मेरे पति नहीं आते तब तक मैं खाती नहीं हूँ, पापा ये देखो ठूस रही है बैठ के। तो जी गाइस आ गई हूँ मैं इस प्यारे से व्लॉग को एंड करने, तो अगर आप अभी तक बने हो तो थैंक यू वेरी मच, एंड वी ऑल विल सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।